मनाना या न मनाना ये आपका निजी मामला है, पर किसी महिला को काल्पनिक रूप से जलाना और उस पर जश्न मनाना ये सही में धार्मिक हिंसा है। शायद हमारे देशवासियों को इस त्यौहार के बारे में सही जानकारी नहीं है। त्यौहार में शू शू कर કશ્યપ ને જે છોકરો હતો ને એ વિષ્ણુ ભગવાન ને માનતો, અને હિરણ્ય કશ્યપ કેવું એવું હતું કે એ મને પૂછે, એના કારણે હોળી કા એની ચૂંટણી માથે રહીને બેસે તો એની ચૂંટણી ઉડી જાય, એના કારણે એનું દવા બે લોકો બેસે અને એક સળગે અને એક ન સળગે એવું બની શકે ખરું? એવું ન શકાય, આપણે એટલું બધું નોલેજ તો નથી, આપણે સાંભળ્યું છે અને બહુ છું। जैसे कि आज भी किसी हत्या होती है तो प्रचार और प्रसार माध्यम के द्वारा लिखा जाता है और कहा जाता है कि खून की गोली खेली गई, साथ ही साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की जाने वाला ये त्यौहार है और उसमें छेड़छाड़ और बदसलूकी होने पर कहा जाता है बुरा न मानो होली। मैं पूरे देश के मानव अधिकार पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं, पूरे देश की महिलाओं और सभी देशवासियों को आह्वान कर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला और छेड़छाड़ करने वाले इस त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए। मैं बिपिन सोलंकी, गुजरात राज्य के धांगध्रा शहर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।